तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट में कार दूंगा। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी कार मिलेगी कहाँ से? मेहता साहब, मैं उनसे एडवाइस लेता हूँ। मेहता साहब, पढ़ाई हो रही है? यार, मुर्गा भाग नहीं देगा तो क्या करेगा? अरे भाई, पढ़ना पड़ता है। दिमाग को तेज तरार और दुरुस्त रखने के लिए पढ़ना पड़ता है। लेखक पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, लिखेगा कैसे? एकदम सही कहा आपने। आपसे थोड़ा काम था। हाँ, बोलो, क्या काम है? मेहता साहब, पर्सनल काम था, किसी को बताना मत। पर्सनल काम है? क्या काम है, बताओ। मेहता साहब, संडे को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे यार, इस काम को इतना धीरे क्यों बोल रहे हो यार? बताइए, बहुत बहुत एडवांस में बताइए। वेरी गुड। लेकिन मेहता साहब, मेन बात यह है कि मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट में एक कार देना चाहता हूँ। क्या बात है यार, बहुत लकी है भाई तुम्हारी वाइफ। सरप्राइज गिफ्ट कार, इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकती है? वेरी गुड, वेरी गुड। आहिस्ता मेहता साहब, कोई सुन लेगा तो बबीता को पता चल जाएगा सरप्राइज गिफ्ट है। सॉरी सॉरी अय्यर, मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया था। असल में सरप्राइज गिफ्ट में कार सुन के कोई भी एक्साइट हो जाएगा यार। अच्छा ये तो बताओ, कार कौन सी खरीद रहे हो? मेहता साहब, वही तो पूछने में आपके पास में आया था कि मैं नई कार खरीदूं या सेकंड हैंड कार खरीदूं। अय्यर, तुम पहली बार कार खरीद रहे हो ना, इसलिए मेरे हिसाब से सेकंड हैंड कार ही खरीदो। सेकंड हैंड क्यों? क्या अय्यर, देखो, नई कार एक तो महंगी आएगी और दूसरी जरूरी नहीं है कि हम जब चाहें तब डिलीवरी मिल जाए। और तीसरा क्या यार, नई कार लेके चलाओगे कहीं टच हो जाए, भिड़ जाए, तो नई कार पे हाथ साफ करना ठीक नहीं है। सेकंड हैंड कार पे हाथ साफ हो जाएगा और तुम पूरे कॉन्फिडेंस में फिर ड्राइविंग करोगे। और वेडिंग एनिवर्सरी तो अगले साल भी आनी है, तब नई कार दे देना। मतलब आपकी बात एकदम सही है। तो कोई सेकंड हैंड कार आपके ध्यान में हो तो मेरे को जरूर बताना। अरे काम क्यों नहीं करते यार, सोडी से बात करो भाई, उसका गैराज है, उसे बहुत पता होगी सेकंड हैंड कार, वो दिला देगा। अरे हाँ मेहता साहब, ये बात आपने एकदम करेक्ट की, मैं सोडी से ही बात करता हूँ, पक्का दिला देगा। छलांगा मार दी मेरी दोस्त, मैंनू बड़ा प्यार कर दी। लो, नाम लिया और सोडी आ गया। ओ मेहता साहब भैया, आओ सोडी आओ। ओ मेहता साहब भैया, की चल रहा है? ओ सोसाइटी में सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, खुशी की बात है, अगले संडे को अय्यर और बबीता जी की वेडिंग एनिवर्सरी है और अय्यर बबीता जी को सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है कार। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अब तुम ऐसे चिल्लाओगे तो सबको पता चल जाएगा। सॉरी सॉरी अय्यर, मुझे पता नहीं था, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। खुश खुश। अरे हाँ, ये तो सुन के बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन अब तुम्हें एक काम करना है, इस संडे से पहले अय्यर को एक बहुत बढ़िया सेकंड हैंड गाड़ी दिलवानी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ थोड़ी अब तेरी जिम्मेदारी। और मेहता साहब, तुझे फिक्र ना करो। हाँ। अय्यर परा तेरे लिए मस्त धमाका गड्डी ढूंढ के लाऊंगा और पूरी सोसाइटी देखती रह जाएगी और तेरी वेडिंग एनिवर्सरी एकदम यादगार बन जाएगी यार। अरे थैंक यू सॉरी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल, बोल बोल। मेहता साहब सॉरी, ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बस। अरे भाई, हम क्यों बताएंगे, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे और ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगी। अरे भाई, सोसाइटी में किसी को नहीं बताने की क्या बात हो रही है? नहीं कुछ नहीं जनरल, वो मेरे आबिद का कुछ पर्सनल बात है। मैं दादा, मेरे को लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ ओके सॉरी, हम लोग कल बात करेंगे। है समझ गया ना? हाँ ये समझ गया। क्या हाँ। छोटी ये क्या है, तुमका ऐसा इशारा क्या किया? कहाँ कुछ भी तो नहीं झटप रहा। अरे मैंने देखा भी ऐसा किया हो और फिर तुमने बोला हाँ मैं समझ गया। नहीं नहीं जेठालाल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है कुछ। हाँ अरे क्या कोई बात नहीं है, मैं जब यहाँ तो आप बोल रहे थे कि हाँ चिंता मत करो, सोसाइटी में ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, फिर अय्यर भाई बोल रहे कि ऑफिस की कोई पर्सनल बात है। मेहता साहब कुछ तो बात है, बताइए बात क्या है? हाँ हमने बोला कि हम सोसाइटी में किसी को नहीं बताएंगे। अरे अभी तुमने खुद कहा ना कि ऑफिस का काम था, वही अय्यर का ऑफिस का कोई पर्सनल काम था तो मुझसे सलाह लेने आया था, तो सलाह दे दी और कुछ नहीं। अच्छा
अगर ऑफिस की पर्सनल बात है तो वो सोसाइटी में किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा क्यों? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, देखो बात है मंडली, क्या चर्चा हो रही है? हाँ भाई, किस चीज की मीटिंग हो रही है भाई? मुझे भी बताओ भाई, मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ। बताओ। अरे कोई बात नहीं है भाई, काहे की मीटिंग, कोई बात नहीं है। अरे क्या कोई बात नहीं है मेहता साहब, मैं बताता हूँ। पोपटलाल, मैं आया तो मेहता साहब कुछ बोल रहे थे अय्यर भाई को, इधर खड़े थे अय्यर भाई, तो उनको बोल रहे थे कि नहीं चिंता मत करो, सोसाइटी में ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर अय्यर भाई को पूछा क्या बात है, तो बोला नहीं नहीं वो तो मेरी ऑफिस की कुछ पर्सनल बात है। और फिर जाते जाते सोटी को कुछ ऐसा इशारा किया और सोटी ने बोला कि हाँ मैं समझ गया, बोलो। अच्छा, अरे भाई सोड़ी, अय्यर भाई ने तुम्हें ऐसा इशारा क्यों किया? हाँ भाई मेहता साहब, अगर सोसाइटी के बारे में कोई बात है तो एक मेयर सेक्रेटरी होने के नाते मेरा जानना बहुत जरूरी है, तो जरा बताइए बात क्या है। अरे भाई क्या एक मेयर सेक्रेटरी, अगर सोसाइटी की कोई बात है तो फिर सबको जानने का हक है भाई, बताना पड़ेगा भाई, बताओ बताओ। बराबर है मेहता साहब, अभी सोसाइटी की मेजोरिटी इधर जमा हो गई है तो अभी तो आपको बताना ही पड़ेगा बात क्या है। हाँ। अरे जेठालाल समझने की कोशिश करो भाई, मैं कितनी देर से कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आप लोग खामखा पीछे पड़े, मैं क्यों जिद कर रहे हो यार। चल भाई छोटी तू बता बात क्या है। भाई जेठा प्रा, और मैं माफी चाहता हूँ, अय्यर प्रा ने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया है कि उनकी जो बात है ना किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, आई एम सो सॉरी यार। अच्छा ठीक है भाई तू मत बता, लेकिन ये तो बता सकता है ना कि अय्यर प्रा ने तेरे को क्या बताने से मना किया है? ओके वो बताता हूँ, संडे को ना। अरे सोरी क्या कर रहा है सोरी, किसी की पर्सनल बात इस तरह से बताते, जुबान भी कोई चीज होती है ना, और तूने वादा किया कि नहीं बताएगा, क्या कर रहा है? और आप लोग भी क्या कर रहे हो यार, इस तरह से जिद कर रहे हो, हम का पीछे पड़ गए बात जानने के लिए, बात जानना जरूरी है क्या? अरे भिड़े, और तुम ये क्या सवाल करते हो, तुम शिक्षक को कैसी शिक्षा देते हो? नहीं मेहता साहब, मैं कहा ये तो जेठाला बोल रहा था इसलिए मैंने हाँ में हाँ मिला दी। अरे भाई मुझे कहाँ बीच में घसीट रहे हो, तुम बोल रहे थे कि सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी होने का नाते मुझे जानने का हक है। अब वो तो वैसे ही, वरना मुझे किसी की पर्सनल बात में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ये पोपटलाल, पोपटलाल तुम लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि अगर भाई सोसाइटी के ताल्लुक से कोई बात है तो फिर हम सबको पता चलनी चाहिए। और वैसे मेहता साहब सही कह रहे हैं, हमें किसी के पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पूछना कैंसल। वेरी गुड पोपट, वेरी गुड। मेहता साहब हाथ हटाओ, मेरा बोलना तो शुरुआत करो, बाकी सब कैंसल। सॉरी सॉरी। अय्यर, तुम्हें याद है ना कि कमिंग संडे क्या है? क्या कहा? मैंने कहा कि संडे को कौन सी तारीख है? देखो बबीता, तुमको तारीख जानना है तो कैलेंडर देख लो ना, मेरे को क्यों परेशान करते हो? देखो मेरे को पढ़ना है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अय्यर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है? क्या बात कर दी हो बबीता, आई एम ए साइंटिस्ट और मेरा ब्रेन बहुत शार्प है। शार्प? जंग लग गए तुम्हारे दिमाग को, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है। अरे हाँ, याद आ गया। हाँ। बबीता याद आ गया। बोलो ना। देखो कमिंग संडे को मैंने एक प्लान बनाया है। बोलो बोलो क्या है? वो प्लान ये है कि हाँ? एवरी संडे को मैं इडली के साथ सांभर खाता हूँ, इस बार मैं इडली के साथ रसम खाऊंगा, तो प्लीज तुम रसम बनाना। हाँ? याद आया अभी तो, क्या रसम खाना? खड्डे में जाए एनिवर्सरी। ओके ये नो प्रॉब्लम, तुमसे ब्रेकफास्ट में नहीं पूरा दिन पेट भर भर के इडली और रसम खाना। ओके जब तो
সব সেইটিকে বলে আছে কিছু না আছে কিছু বুঝতে পারছে না ববিতা अबे तुम चाहे कितना भी गुस्सा कर लो लेकिन आई एम श्योर तुम्हें वेडिंग एनिवर्सरी की गिफ्ट देखकर इधर भी दुगनी खुशी होगी क्या कुछ नहीं क्या कुछ नहीं मैंने भी देखा आप से सब कुछ अकेले अकेले बात कर रहा था क्या बात क्या है अरे वो अय्यर भाई मेहता सब और सुटी को बता रहे थे कि ये बात सोसाइटी वालों को पता नहीं चलनी चाहिए तो उतना मैंने सुना तो मैंने पूछा क्या भाई कौन सी बात है जो सोसाइटी वालों को पता नहीं चलनी चाहिए बराबर बराबर तो मेहता साहब ने बताया नहीं मुझे और कहने लगा भाई किसी की पर्सनल बात है ऐसा पूछना नहीं चाहिए तो उसी को लेकर मैं जरा विचार चढ़ गया कि ये कौन सी बात हो सकती है आपको क्या लगता है क्या बात हो सकती है अरे भाई वही तो नहीं पता सॉरी वो भीड़े और पोपटलाल ने भी पूछा मेहता साहब को उनको भी नहीं बताया तुझे क्या लगता है दया मुझे ऐसा लगता है कि आपको चूरन खा लेना चाहिए क्यों क्यों है आपको बात पता नहीं चली है इसलिए आपके मन में मुंझर रहेगा पेट में गड़बड़ होगी इसलिए कहती हूँ चूरन खा लीजिए सो जा चुपचाप ठीक है राजन भाभी गुड मॉर्निंग सर जी आवे सड़ी गुड मॉर्निंग मेरे चेन्नई के शहर बैदा और रोशन अपने ये प्राग लिए फर्स्ट क्लास मलाईदार लस्सी लेके आई यार अरे नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है अरे बस दो मिनट लगेगी आइए भाई तैयारी है थोबोनी थोबोनी हां सॉरी मैं तेरे को चेक दूं कि कैश दूं कैश चेक वो किस बात के लिए आई है अरे कल रात को ही तो मैंने तेरे को बोला था ना कि मुझे कार चाहिए बबीता को वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट करना है इतनी जल्दी भूल गया ओ यार मेरे को सब याद है पर मेरे को गड्डी तो ढूंढने देना यार फिर चेक कैश की बात कर लेंगे मैं कौन सा कहीं थोड़ा जा रहा हूँ यार कमाल है सोड़ी अब तक तूने कार नहीं ढूंढी ओए कमाल मैं नहीं कमाल तू है यार और रात को तो तूने मुझे गड्डी के बारे में बताया तो क्या मैं सपने में गड्डी ढूंढ के लाता अभी सवेरे सवेरे उठता हूँ लस्सी वस्सी पीने दे जरा ताकत वाकत आने दे तैयार व्यार होके गिरा जाता हूँ और वहां अपने एजेंटों से बात करूंगा पूरी इंक्वायरी करूंगा फिर देख तेरे लिए पास क्लास गड्डी ढूंढ के निकालता हूँ लेकिन सॉरी थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि मेरे को संडे तक कार चाहिए और तू फिकर मत कर ये बैठा ना रोशन सिंह सॉरी तेरा दोस्त फर्स्ट क्लास संडे से पहले तेरी गड्डी आ जाएगी यहाँ थैंक यू सॉरी यू आर मोस्ट वेलकम अय्यर प्रा आई लव यू भाई मस्त मलाईदार लस्सी इतना बड़ा ग्लास यह तो बहुत ज्यादा है आई पी पी मेरे जैसी पड्डी शाडी हो जाएगी ओहो बबीता जी बबीता जी गुड मॉर्निंग हाय गुड मॉर्निंग जीठा जी बबीता जी एक बात बोलूं या यार रोज एक ही जगह पे ऐसा साइकिल चला चला क्या बोर नहीं हो जाते नो इट्स ओके अरे क्या ओके बबीता जी मैं तो बोलता हूँ आपको इधर नीचे उतर के इधर सोसाइटी कंपाउंड में ऐसा गोल गोल साइकिल का चक्कर मारना चाहिए इससे क्या होगा आपकी कसरत भी होगी और अपना यह कंपाउंड भी एकदम भरा भरा दिखेगा जेठा जी
ये साइकिल और वो साइकिल में बहुत फर्क है। तो ला के दू आपको नया साइकिल बोलो, कल बाद बढ़िया मिलती है फॉरेन के और 10-12 गियर वाले, आज के हाथ ला के देता हूँ बोलो। नो जेटा जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अरे क्या फाइन बबीता जी। जटालाल, ओ जटालाल, ये तो अय्यर भाई की आवाज है नहीं? ओ जटालाल, जटालाल, हाँ बोलिए अय्यर भाई, बोल दे यार। जरा यहाँ आइए ना। बबीता जी एक मिनट है। बोल। टप्पू के पापा आप रुमाल लेना तो भूल ही गए। हाँ ठीक है ला। थोड़ा हाथ ऊपर लाइए ना, और थोड़ा ऊपर, थोड़ा थोड़ा और। अरे कैसे खुद का मार के ले लूं? एक ना भाई, कांच का रुमाल नहीं है, फेंक। अरे हाँ सॉरी। चलो जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। अय्यर भाई एक मिनट, ये सुबह सुबह इवनिंग में किसी के घर पे गए होंगे नहीं? जड़ालाल सुबह सुबह मैं किसी के घर पर नहीं जा सकता क्या? नहीं जा सकते हो, लेकिन कुछ अर्जेंट काम होगा इसीलिए गए होंगे। किसके घर पे क्या काम था? जड़ालाल मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि तुमको इतनी चिंता क्यों है? नहीं चिंता नहीं है भाई, वो तो कल तुम मेहता साहब और सोडी को बता रहे थे ना कि कोई बात सोसाइटी वालों को पता नहीं चलनी चाहिए, तो वो बात अगर मुझे भी बता दो तो मैं भी सोसाइटी वालों को नहीं बताने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ इसलिए। जड़ा लाल ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे को आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स, तुम टेंशन मत लो। नहीं पॉसिबल, हैव अ नाइस डे। अय्यर की चाल चलगत बहुत भेदी है, कुछ तो बात है, क्या बात हो सकती है? अय्यर, मैं तुम्हें आज लास्ट टाइम के लिए पूछ रही हूँ, तुमने संडे के लिए कोई प्लान्स बनाए? हाँ प्लान है, इडली और रसम, जम क्या खाऊंगा। अगर इस बार भी अय्यर को हमारी एनिवर्सरी याद नहीं आई ना, तो मैं हमेशा के लिए मम्मी के पास चली जाऊंगी कोलकाता। अरे हाँ याद आ गया, इस संडे को मुझे किसी को विश भी करना है और उसको गिफ्ट भी देना है। वो मेरा फ्रेंड मुरली नटराजन, उसका प्रमोशन हुआ है ना, इसलिए उसका गेट टुगेदर में मेरे को जाना है, इसलिए विश भी करना है और गिफ्ट भी देना है। इसके अलावा भी किसी और को विश करके गिफ्ट देना होगा ना? नहीं फिर मुरली नटराजन का ही प्रमोशन हुआ है। अनिता मेरे का सब याद है, लेकिन मैं तुमको सरप्राइज देना चाहता हूँ, लेकिन संडे तक कार अरेंज नहीं कर पाया तो? पपीता का गुस्सा सातवें आसमान पे, और कसम खाई है कि मैं बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगी अय्यर को अपनी मैरिज एनिवर्सरी, और साथ में ये कसम भी खाई है कि अगर भुलक्कड़ अय्यर को उनकी मैरिज एनिवर्सरी याद नहीं आई तो वो उन्हें बंबई की भूल भुलैया में हमेशा छोड़ के कैलकटा चली जाएंगी। और इधर अय्यर ने भी एक तीर से दो शिकार करने का फैसला किया है, वो एक बहुत बढ़िया कार गिफ्ट दे के ये तो जताना चाहते ही हैं कि वो कितने अच्छे पति हैं, और सारी सोसाइटी को ये भी बता देना चाहते हैं कि वो बबीता से कितना प्यार करते हैं, लेकिन कार इन चार दिनों में कैसे आएगी, कितने की आएगी, क्या कार मिल पाएगी, कार मिलेगी तो क्या ऐसी होगी जो बबीता को पसंद आएगी, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। अब ये देखते हैं कि ये कार आती है या बबीता कलकत्ता जाती है, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, बस देखते रहिए हमारे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल,
Click the show links and enjoy watching the videos.